आज अमेरिका के डॉलर्स की पूरी दुनिया में मांग है। जिस देश के पास जितना ज़्यादा डॉलर्स होता है वह देश उतना ज़्यादा अमीर होता है। और आज जितने भी देश एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं वह सभी डॉलर में व्यापार करते हैं। और आज अमेरिका का डॉलर्स पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। और आज अमेरिका का एक डॉलर्स भारत के 80 रुपए के बराबर है। और क्या होगा यदि भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए, तो क्या हमारा देश अमेरिका की तरह अमीर और शक्तिशाली बन जाएगा? तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या होगा यदि भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए, तो क्या इससे हमारे देश को फायदा होगा या फिर नुकसान। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि एक रुपया जब एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो इससे हमारे भारत को क्या फायदा होगा। तो जब भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो भारत दूसरे देशों से सस्ती कीमत पर व्यापार कर सकता है और दूसरे देशों से सस्ती दर पर सामान खरीद सकता है। और भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाने से भारत के लोग विदेशों में यात्रा कर सकते हैं कम पैसों में। और भारत के एक रुपये के एक डॉलर के बराबर हो जाने से भारत को फायदे तो बहुत होंगे, लेकिन इसके नुकसान जान के आप हैरान हो जाओगे। और भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाने से भारत में इस तरह से महंगाई बढ़ेगी जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाने से भारत में बना हुआ सामान इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा जिसकी वजह से भारत दूसरे देशों से सामान तो खरीद पाएगा लेकिन अपने देश का बना हुआ सामान दूसरे देशों को बेच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भारत का व्यापार ही ठप हो जाएगा। और भारत दूसरे देशों से इम्पोर्ट तो कर पाएगा लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भारत में महंगाई आग की तरह फैलेगी। और भारत में महंगाई बढ़ जाने के कारण जो भारत में विदेशों की कंपनियां भारत में अपना व्यापार करती हैं वे भी अपना व्यापार समेट करके अपने देश चली जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ेगी जिसका कोई जवाब नहीं। और एक रुपये के एक डॉलर के बराबर हो जाने से हमारे देश के जितने भी यूट्यूबर हैं जो महीने में लाखों करोड़ों की अर्निंग करते हैं उनकी अर्निंग बस 500 से 1000 रुपए ही रह जाएगी। और इसलिए आज हमारे देश का रुपया जैसा भी है वैसा हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी ठीक है। तो अब तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाने से भारत को फायदा तो कम लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और मेरे जाने दी आप वीडियो लास्ट तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।